नमस्कार सोनम जी। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। बिल्कुल मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है सर, बिल्कुल चेंज हो गई है। मैडम हम भी देख रहे हैं यहाँ पे ना, कोमल जी ने आपकी कुछ पिक्चर्स मुझे शेयर की थी, तो वो मैं जी पिक्चर्स देख रहा हूँ ना, तो वाकई में ही आपकी बिल्कुल काया पलट हो गई है। आप तो पहले से अब में जमीन आसमान का अंतर आ गया जी। तो जी सर, हम यहाँ सर पे, सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं मैडम मेहनत तो आप ही की है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहले कितना वेट था मैडम आपका। ये ग्रीन कलर की साड़ी में आपकी पिक्चर जो भेजी है इन्होंने, कोमल मैडम ने, सर इसमें 93 था सर। 93, और अभी कितना वेट है आपका? अरे सर मेरा अब 73 हो गया है। वाह, आपका 20 किलो वजन कम हो गया। जी सर, जी सर, मैंने वेट अभी कराया था 8 दिन पहले, तो हाँ मेरा हाँ 73.5 था सर, 70, 73.5 किलो। फिर मैंने अभी 2 जनवरी को चेक कराया, फिर से अभी 2 जनवरी को, तो हाँ उसमें मेरा 73 पूरा आ गया था सर। 6-7 दिन में ही मेरा आधा किलो कम हुआ था सर। वाह वाह वाह। और एक आपने ये मैडम, एक और ये रेड कलर की साड़ी में भी आपने पिक्चर भेजी हुई है, तो जी ये तो जी इसमें तो आप बिल्कुल ही दुबले पतले दिखाई दे रहे हो। ये कब की पिक्चर है आपकी? ये सर 24 नवंबर की है। जी अच्छा, अभी 24 नवंबर, लगभग 1 महीने पहले की। जी 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 तो उसमें मेरा वेट 74 था, सेवेंटी फोर आई अच्छा थिंक 75 था उसमें। मैडम, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार लग रहा है देखने से ही ना। कोई भी देखेगा इन पिक्चर्स को तो वो हैरान हो जाएगा कि पहले तो आप बहुत ज्यादा हैवी लग रहे थे इसमें, ये जो ग्रीन कलर वाली पिक्चर हम देख रहे हैं, और अब वाली ये जो पिक्चर है जी इसमें तो बिल्कुल ही आप बहुत ही दुबले पतले दिखाई दे रहे हो। तो ये 20 किलो आप बता रहे हैं कि वजन कम हो गया, कैसे हुआ मैडम ये चमत्कार? मैंने 25 या 26 अगस्त को, बिल्कुल पक्का नहीं है डेट, 25 या 26 अगस्त को आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक पर सुबह के टाइम, और रचना गुप्ता जी का आपने वीडियो उस पर शेयर किया हुआ था, वो मैंने इंटरव्यू देखा था। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बनाना को ही 32 बार चबा चबा के खाया, मेरा बनाना खा के भी वेट लॉस हो रहा है। तो हाँ, मुझे याद है, मुझे सर याद। मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा कि इतने वीडियो आते हैं, फिर मैंने देखा कि हो सकता है जब लेडीज बोल रही है सामने से। तो मैंने सर उस दिन आलू के पराठे घर पे बनाए हुए थे, मैंने 2 रोटी अपने लिए आलू की बनाई, उन्होंने उनको चबा चबा खाया, मेरे पे सर एक खाया गया था। अच्छा जी, तो जी आपने मतलब उसी पच्चीस दिन अगस्त मैंने को शुरू कर दिया। 25 अगस्त को आपने शुरू किया था, जी 26 या 25, 26 यही था सर, एग्जैक्टली नहीं, मैं फिर भी 26 मानती हूँ। और ये जो आपकी रेड साड़ी वाली पिक्चर है ये 24 नवंबर की है, तो जी, ये इसी पिछले महीने की है, सिर्फ नवंबर की। 3 महीने में इतना बड़ा चमत्कार हो गया मैडम, 3 महीने के अंदर। हाँ तो सर चमत्कार तो मैं आपको बताऊं, कोई विश्वास नहीं करता। एक दिन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी कॉल कर दिया था, मेरा जी 1 महीने जब मैंने 26 अगस्त से शुरू किया, तो हाँ मेरा सितंबर को मैंने 19 से 20 सितंबर को मैंने वजन अपना कराया, तो सर मेरा पूरा 11 किलो निकल गया था 1 महीने से कम में। अच्छा, 1 महीने में 11 किलो वजन कम हो गया था। जी सर 1 महीना पूरा हुआ भी नहीं था, 20 20 22 दिन हुए थे सर। मैं कह तो रही मैंने 26 अगस्त से शुरू किया है सर, और मैंने 20 या 22 सितंबर को अपना वजन कराया, तो मेरा सर 11 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा जी, कमाल हो गया, मतलब 30 दिन जी में 11 किलो वजन कम, एवरेज हर रोज का आपका हो रहा है करीब 300-400 ग्राम आपका हर रोज का कम हो रहा था। जी सर, जबकि मैंने उस टाइम पे चीनी वाली चाय भी ली थी, उसके अरे बाद से फिर वाह मैंने चीनी की चाय भी कम कर दी थी सर, बिल्कुल बंद कर दी थी चीनी। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मैडम क्या बोलते हैं अपना, इसमें आप बता रहे हैं कि 32 बार का रोल है, आप वैसे वजन जी जी घटाने के लिए कब से ट्राई कर रहे थे, ये कितने सालों से बढ़ा हुआ था वजन? सर मुझे, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जब शादी हुई थी 14वीं साल, अभी मेरी शादी को शुरू हुई है 19 नवंबर से, और मेरा शादी के 2 साल बाद से ही वेट इतना है कम अच्छा, मतलब करीब से कम। 12-13 सालों से आपका वजन बढ़ा हुआ है। बहुत बड़ा इतना ही है, और सर मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी है।
अच्छा, तो क्या 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 नुस्खे आजमाए मैडम वजन कम करने के लिए? इससे पहले क्या क्या कोशिशें की? सर मैं भूखी भी रही हूँ, मैंने कम खाया भी है, घी छोड़ रखा था कि घी छोड़ के देखते हैं, सब मेरे घर में खूब घी खाते हैं, गाय भैंसे रहती है घर में, तो तब खूब खूब घी खाते, मैं नहीं खाती थी तब भी मेरा वजन बढ़ा रहता था, ग्रीन हाँ, तो आपने मतलब, टीवी पी के देख तो नहीं, कुछ भी नहीं होता था सर, कुछ भी नहीं होता था। फिर हाँ, तो अभी जब जब से आपका आपने, ये फिर जी जब सर आपका मैंने ये सब आपके जो 5 गोल्डन रूल है वो मैंने सारे किए हैं। मैं पानी नहीं पीती थी ज्यादा, पानी नहीं पीती थी, पानी पीना शुरू किया मैंने। ग्रीन टी है, मैंने आपकी ग्रीन टी मीशो से मंगाई है सर, दो दो बार मैंने परचेज किया है, तो मैंने आपकी 2 पैकेट पिए हैं आपकी वाली जी ग्रीन टी के। जी जी और मैं सलाद नहीं खाती थी तो मैं सलाद भी खाना शुरू किया है, और पानी मैंने बहुत पिया है, पानी दिन भर पीती हूँ, गुनगुना पानी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको मतलब आपने पहले हर तरीके से कोशिश की, उनसे हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही आपने ये धीरे धीरे चबा के खाना शुरू किया, होने लग गया। जी, मेन रोल तो सर धीरे धीरे चबा के खाने का ही है। आपने सर 32 बताया, लेकिन मेरे थोड़ा दांतों में दिक्कत है, दो हाँ, तीन दांत खराब हो गए थे तो निकलवा दिए थे, तो मैं 50 50 55 55 बार चबाती हूँ अच्छा, और कितनी देर लगती है आपको खाना खाने में? सर। मुझे आधा घंटा भी लगता है, कभी कभी 40 मिनट भी लग जाते हैं, इससे ऊपर भी हो जाता है, मतलब 30, ये आधा घंटा तो लगना ही लगना है सर, इससे ऊपर भी हो जाता है। पहले सब लोग सर घर में बहुत हंसी उड़ाते थे मेरी, हाँ, और अब कोई कुछ नहीं अभी कहता, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे क्या करती हो पागल हो गई हो, क्योंकि मेरे सर में आपका वीडियो जब से मैंने देखा था तो मेरा दिन हो रात हो शाम हो सुबह मैंने वीडियो सारे देखने थे। किचन में मैं काम करती रहती थी और आपकी मेरे वीडियो बराबर मेरे कान में हेडफोन लगा के मैं चलाती देखती रहती थी, देखती रहती थी सर। जी। मैडम, ये जो मैं इंटरव्यू वाली वीडियो डालता हूँ, इससे कोई फायदा भी होता है या वैसे ही डाल रहा हूँ, इससे लोगों को कुछ? नहीं 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 सर, इसका बहुत बड़ा रोल है सर, ये आप कभी डालना मत छोड़ना, ये तो मैं अभी भी आपके देखती हूँ, खाना सुबह खाऊं चाहे शाम को खाऊं, मैं आपके वीडियो लगा के खाना खाती हूँ अभी भी। जी। मैं जैसे मैडम बहुत से लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, तो मेरा मकसद ये होता है कि कोई ना कोई अपने आप को सामने वाले से रिलेट कर ले। मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि भाई धीरे चबाओ और समय लंबा लो खाना खाने में। तो आपने जी भी क्या जी नोटिस किया कि ये समय आपका बढ़ गया? पहले बहुत जल्दी खा लेते थे जब खाना खाते थे, और अभी समय बढ़ गया, ऐसा हुआ है? हाँ जी सर, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़। पहले मैं आपको बताऊं सर, मैं रोटी 4 5 खा लेती थी, चार पांच रोटी मैं खा लेती थी, वो भी मेरी 5 6 मिनट मुश्किल से लगता था मुझे, और अब अभी नहीं ऐसा है सर। अभी कितनी खा सर अब तो पाते एक हैं? रोटी खाती हूँ मैं, एक रोटी से ऊपर तब होती है आधी भी जब सलाद नहीं होता है घर में, अच्छा, बाकी बची जाती है, वैसे अगर सलाद होता है तो बच जाती है रोटी एक में से। अच्छा। लोग मैडम ये भी पूछते हैं कि सर आप जिनका इंटरव्यू लेते हो ना, उनसे उनका रूटीन पूछो कि वो कैसे करते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि सलाद नहीं होता, तो आप कैसे करते हो? मतलब कोई मुझे, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन्स ये आती हैं कि सर हम कोशिश करते हैं 32 बार, जिस दिन आपकी वीडियो पहली बार देखते हैं ना, उस दिन तो हो जाता है हमसे, अगले दिन फिर भूल जी जाते हैं। तो ऐसा क्या किया आपने कि आप नहीं भूली? आप क्यों नहीं भूल पाए ये 32 बार? सर, मुझे अंदर से था कि मुझे पतला होना है, आपकी वीडियो जो मैंने देखी थी विजुलाइजेशन की, सब ये सब अपने अंदर मन में अपनी ये बना मूर्तिकार वाली की पतला होके जी देखो कि मन में सोचो जी कैसा लगता है सर, ये जी मेरे मन में बात बैठ गई थी कि मुझे भी पतला होना है सर। मेरे साथ एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूल गई हूँ। मैडम, जैसे मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि टुकड़े का साइज जो है वो बहुत छोटा रखो, आप कितना छोटा रखते हो टुकड़े का साइज? सर पहले तो मैं टुकड़े करके रख लेती थी, जैसे आपने बताया था कि उसमें 15 20 20 20 टुकड़े, मैं 20 कर लेती थी उसमें से, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है सर, तो मैं टुकड़े नहीं तोड़ के रखती हूँ, मैं खुद ही छोटा लेती हूँ टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा लेती हूँ ठीक है इतना ठीक सर, और है उसको ही फिर जैसे खाया सब्जी सर, मैं जैसे आपने बोला ना कि सब्जी खाइए दाल खाइए, वो सब मैं रखती हूँ अपनी प्लेट में, दाल भी दोपहर के खाने में, सब्जी भी सलाद भी,
और पहले, अभी सर ठंड है तो दही नहीं खाती, पहले दही भी पर डे खाती थी, और अच्छा, अब मुझे सर आदत हो गई है, टुकड़ा टूटता ही छोटा सा है मुझसे। तो लगभग सलाद हमेशा ही लेते हो आप? हाँ सर, मैं ज्यादा सलाद लेती हूँ, नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल सा लगता है, पर फिर दाल थोड़ा ज्यादा ले लेती हूँ, 2 कटोरी दाल ले लेती हूँ। तो जैसे आपने सुबह नाश्ते के अंदर यूजुअली क्या जो घर में बनता है, आम रोटी सब्जी होती है या क्या कुछ नाश्ते के अंदर बनाते हो? नाश्ता सर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, पांच, जैसे आपने बताया 5 बादाम भिगो के खा लीजिए, वो खा लेती थी, या एक मुट्ठी चने रात में भिगो देती थी वो खा लेती थी। इतना सर सुबह टाइम मेरे लिए अपने लिए निकालना नहीं होता था, दोपहर में मैं खाना ही जो करती थी, लंच ही अच्छे से करती थी बैठ के, और ठीक है। सुबह तो मैंने यही सब खा लेती थी। अब तो मैंने, सर्दी शुरू हो गई है तो मैं, शक्कर होता है ना वो उधर मिलता है, हमारे इधर नहीं जी मिलता है, और जैगरी पाउडर जिसे बोलते हैं उसकी जी चाय भी लेती हूँ, और अच्छा अच्छा थोड़ा इस समय धनिया पानी भी शुरू किया है, पहले नहीं लेती थी तो धनिया पानी भी शुरू किया है। ओके ओके। और आप जैसे लंच, आपने बताया कि आप लंच अच्छे से करते हो, तो लंच में आप क्या कुछ ले लेते हो? सर एक रोटी रहती है और गेहूं की रोटी भी ले लेते हैं। बेटा शांत हो जा, बेटा बीच में मत बोलो, तो एक रोटी सर ले लेते हो, चाहे गेहूं की तो मैंने सर बहुत खाई इन दिनों में, बाजरा मक्का रहा तो बाजरे मक्का की भी मैं बना लेती हूँ एक रोटी अपने लिए। बाजरे की या मक्का की या फिर गेहूं की, जैसे भी आप रोटी, और साथ में सलाद और दाल। जी, गेहूं की सर मैंने काफी खाई है, अभी शुरू की है बाजरा मक्का, क्योंकि सर अब वेट थोड़ा धीरे धीरे लॉस हो रहा है, और पहले जल्दी जल्दी हुआ था, अभी थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि थोड़ा मैं कर लेती हूँ ना, फंक्शन पड़े थे तो मैं मिठाई भी बहुत खाई थी, रसगुल्ले वगैरह भी बहुत खा लिए थे, तो तब भी 1 किलो घट गया था 1 महीने में, जी। नहीं, मैं मीठा उसका भी खाने के तरीका, बावजूद भी। उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा कि ये कैसे हो। उसका तरीका मैं बता देता हूँ, वैसे सबको ही बता देता हूँ। बहुत लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि सर हमारा पहले तो बड़ी तेजी से वेट कम हो रहा था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उनको क्या है कि जो हम सॉल्ट फ्री डे करते हैं ना, बिना नमक वाला दिन हम करते हैं, उस दिन बिना जी जी नमक जी वाले दिन से एक दिन पहले हमें बहुत हल्का खाना खाना होता है। और जिस दिन जी बिना नमक वाला दिन पूरा हो जाए, उससे अगले दिन जो नाश्ता होता है वो भी बहुत हल्का खाना होता है। अगर ये भी असर ना करे तो जिनका वेट स्टक हो जाए उनको 2 दिन विदाउट सॉल्ट डे अगर वो कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा नहीं जी करना, सर, उस प्लेटो को अच्छा तोड़ने अच्छा के जी लिए बस एक बार बिना सॉल्ट वाला जो दिन है वो 2 बार कर लीजिए। और साथ में जो आपका कुछ जो वर्कआउट है, चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, या जैसे भी करते हैं, उसको थोड़ा सा हार्ड अगर आप कर दोगे तो ये वेट का जो प्लेटो है ना, ये टूट जाएगा और जी वापस से वजन घटने लगेगा। उसी तरीके से जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो हमें खाना होता है। जैसे आप तो वैसे ही आप स्लो बता रहे हैं कि मैं खाती हूँ, मुझे आधा घंटा लग जाता है। और क्या बोलते हैं, अपना खाना खाने के बाद मैडम आप ये ग्रीन टी तो लेते ही होंगे जो हम बताते हैं, है जी जी ना? तभी से ले रही हूँ मैं, तभी अच्छा, से ले रही हूँ, 2 टाइम लेती हूँ, दोपहर में और फिर रात में। रात में लेते हैं। अच्छा, और आपका डिनर कितने बजे तक कर लेते हैं जी? सर गर्मियों में मैं 7 बजे तक कर लेती थी, अभी थोड़ा लेट हो जाता है तो 7:30 हो जाता है मुझे। 7:30 हो जाता है, ठीक है। और आप वैसे नींद कितनी देर की लेते हैं जी? जी सर, आपने बोला है ना 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेनी है तो वो जी जी सोते जी हैं। जी अच्छा, उतनी लेते हैं आप नींद? ओके। अच्छा, ऐसा दिन महसूस में किया नहीं मैडम? सोते हैं सर, अच्छा अच्छा रात्रि वेरी में गुड। मतलब नींद लेते हैं, दिन में नहीं सोते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा महसूस किया मैडम कि वजन घटने के बाद हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी आ गई, ऐसा महसूस किया कि या पहले थोड़ा जी सा सर, लेजी था? सर बहुत बहुत, मैं दिन भर पहले लेट जाती थी तो जैसे उठती थी, थायराइड प्रॉब्लम है तो मेरे 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर लेटती थी मैं बिस्तर पे तो मेरे पैरों से मैं चल नहीं पाती थी, अकड़ जाते थे पैर बिल्कुल, बहुत दोनों पैरों के तलवे बहुत दुखते थे। और अभी अभी सर कुछ नहीं, ऐसा पूरे दिन एक्टिवनेस रहता है। ओके, वेरी गुड। और वीकनेस भी महसूस हुई मैडम? जैसे इतना वजन कम हो गया, 20 किलो कोई छोटा मोटा वजन नहीं होता, 20 किलो तो बहुत बड़ी अमाउंट है। जिम जाके अगर हाथ में 10-10 किलो के बंडल, 10-10 किलो के डंबल उठाने पड़ जाए ना,
तो बड़ी मेहनत लगती जी है उसको काफी देर तक, और हमने तो परमानेंटली उठाए हुए थे वो डंबल अपने शरीर पे वेट के रूप में। तो 20 किलो जब कम हो गया बॉडी से, तो कैसा जी महसूस हुआ? क्या वीकनेस महसूस हुई या बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ? नहीं सर, बहुत हल्का लगता है, बहुत हल्का लगता है। तो हल्का लगता, ठीक है। घर वालों की प्रतिक्रिया कैसी है? घर वाले खुश हैं देख के? हाँ सर, सब कहते हैं अब तो बहुत चेंज हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सोनम जी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और एक और चीज जानना चाहूंगा, हमारी ये जो कम्युनिटी बनी हुई है 32 बार कम्युनिटी, इसका रोल कैसा है हमें मोटिवेट करने में वजन घटाने के लिए? सर इसका बहुत रोल है, मैंने ये तभी ज्वाइन कर लिया था। और जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पे पूछो, मैं इसको दिन भर में जितनी बार भी खोलती हूँ ना, तो उतनी बार ही अगर थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होती हूँ तो हो जाता है, फिर से ओके वही एनर्जी वापस आ जाती है, छोड़ने जी 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 का तो मन भी नहीं करेगा अगर इसको देखते रहेंगे लगातार। आपकी कोई ऐसी प्रेरणा जो वजन घटाने में, जिनको आपने माना हो कि हाँ ये इनकी वजह से मेरा, आपने एक तो वीडियो देखी, दूसरा आप क्या मानती हैं कि कोई ऐसी प्रेरणा हो आपकी जिनकी वजह से आपका वजन कम होने में बड़ी मदद मिली आपको? जी है सर, एक तो सबसे बड़ी तो आप ही हो सर, सबसे बड़े तो धन्यवाद मेरी प्रेरणा आप ही हो। मैडम और जिली सिरसवाल हैं, उनको उनसे मैं बहुत जी मतलब जी जी मोटिवेट होती हूँ। जी 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 उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कमाल का मैंने देखा उनका, जी जी बहुत बढ़िया जी जी। तो ऐसे ही मैडम आप भी किसी की प्रेरणा बनो, हम यही कामना करेंगे। जब आपकी वीडियो आएगी तो बहुत सी लाखों महिलाएं देखेंगी या पुरुष भी देखेंगे, तो वो जब देखेंगे तो आपसे इंस्पायर होंगे कि जब आप कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते। सोनम जी आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करें। आपको धन्यवाद। जी 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 थैंक यू सो मच, मिलेंगे मैडम जल्दी दोबारा से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।